और अब बात पावर सेंटर पटना की। 24 की चुनावी बिसात जिस दिशा में बिछाई जा रही है, बिहार की राजधानी पटना अब उसके केंद्र में है। याद कीजिए, मौजूदा इंडिया गठबंधन की नींव 23 जून 2023 को पटना में ही रखी गई थी। अब उसी पटना में इंडिया अलायंस की पहली जनसभा हुई। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित जन विश्वास रैली में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, वामपंथी नेता डी राजा, सीताराम येचुरी ने लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा किया। मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला, जीत का दावा किया गया, लेकिन इस रैली से केजरीवाल, शरद पवार, उद्धव ठाकरे की दूरी ने कई सवालों को जन्म दे दिया। के एक सवाल बिहार की 40 सीट पर इंडिया गठबंधन की जीत को लेकर भी है। मोदी जी, चश्मा साफ कर लीजिए, खोल के ये नजारा देखो, जन सैलाब है। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, बीजेपी हटाओ। एक कट्टरपंथी, हिंसावादी, नफरतवादी, एक फांसीवादी हुकूमत की तरफ वो पहुंच रहे हैं। देश के अंदर जनतंत्र नहीं बचेगा, हमारा संविधान नहीं बचेगा। पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान और इस मैदान से उठी इंडिया की दिल्ली विजय वाली हुंकार। कई नौजवानों ने जिनको नौकरी नहीं मिली उन्होंने अपनी जान दे दी। देवाल इंजन की सरकार ने बेरोजगारी दी है। देश में जब भी बदलाव आता है बिहार में तूफान शुरू होता है। ये बिहार जो है देश की राजनीति का नर्व सेंटर है, यहाँ से ही शुरुआत होती है। राहुल बोले, अखिलेश बोले, तेजस्वी ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया और फिर कह दिया, अब की बात तय है बीजेपी की हार। एक तरफ फिरता प्रस्त, एक तरफ जो है मौका प्रस्त लोग हैं। तेजस्वी से प्यार करते हैं, हाथ उठा के बोला तेजस्वी से प्यार करते हो, मेरी एक बात मानोगे, हाथ उठा के मेरा एक काम कीजिएगा कि आप सब लोग गरीबों को जोड़ने का काम कीजिए, दलित भाइयों को सम्मान दीजिए। बताओ, हाथ उठा के बताओ, बनोगे ना? यानी अब बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने चुनावी समर का शंखनाद कर दिया है। शंखनाद इसलिए क्योंकि इंडिया गठबंधन के गठन के बाद ये पहली बार है जब अलायंस के नेता किसी सार्वजनिक मंच पर एक साथ नजर आए। ये बात और है कि इंडिया गठबंधन के कई महत्वपूर्ण सहयोगी मसलन अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और सुप्रिया सुले ने रैली से दूरी बनाए रखी। फिर भी पटना के गांधी मैदान में हुई रैली कई मायनों में अहम कही जा सकती है। पहला, इंडिया गठबंधन की रैली उसी पटना में हुई जहां इंडिया गठबंधन के गठन को लेकर पहली बैठक हुई थी। दूसरा, एक दिन पहले ही बिहार के बेगूसराय में 18 महीने बाद पीएम मोदी और नीतीश कुमार एक मंच पर नजर आए थे। आरजेडी कांग्रेस की घोर परिवारवादी कुरीति है। आरजेडी कांग्रेस के लोग अपने परिवारवाद और भ्रष्टाचार को उचित ठहराने के लिए दलित, वंचित, पिछड़ों को ढाल बनाते हैं। बेगूसराय में दिए गए प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान की गूंज पटना के गांधी मैदान में भी सुनाई दी। पहले बीजेपी पर तेजस्वी यादव जमकर बरसे, फिर यूपी से आरजेडी की जन विश्वास यात्रा में शामिल होने पहुंचे अखिलेश यादव ने परिवारवाद के बहाने बीजेपी को नई चुनौती दे डाली। वही जुमला, वही बकवास की बातें, झूठ प्रचार। हम तो शुरू से कहते हैं मोदी जी झूठ बोलने के फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर है। भारतीय जनता पार्टी इस बार संकल्प ले कि किसी परिवार वाले को टिकट नहीं देंगे, और संकल्प ये भी ले
कि किसी परिवार वाले से वोट मांगने भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जाएंगे। अखिलेश यादव या फिर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव से लेकर वामपंथी डी राजा और सीताराम येचुरी तक सबने एक एक कर बीजेपी पर निशाना साधा, बीजेपी को हटाने और देश बचाने का नारा दिया। इसके बाद लालू यादव की बारी आई, जिन्होंने आते ही सामाजिक न्याय, मंडल कमीशन, गरीब और किसानों के बहाने मोदी सरकार पर सीधा हमला किया। फिर मोदी के परिवारवाद वाले आरोप पर भी सीधा सवाल पूछ लिया। ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको हुआ बताओ। दरअसल लालू यादव और उनकी पार्टी अच्छी तरह से जानती है कि आने वाला लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी, वाम दल और कांग्रेस के साथ आने के बावजूद आसान नहीं होने वाला, क्योंकि 2014 में आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन महागठबंधन सिर्फ 7 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाया था, जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के खाते में 31 सीटें गई थी, जबकि 2019 में एनडीए के खाते में 39 सीटें आई, जबकि आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन को सिर्फ 1 सीट मिली थी। 2019 में सिर्फ किशनगंज सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी। यानी लगातार 2 लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों पर कांग्रेस, आरजेडी और इंडिया गठबंधन के दूसरे सहयोगियों का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। ऐसे में अब इंडिया गठबंधन के दल बिहार की 40 सीटों पर जीत के लिए पूरी जी जान से जुटे हैं, जिसकी पहली झलक पटना के गांधी मैदान में हुई जन विश्वास रैली में नजर आई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।